हेलो व्यूवर्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? जो भी चैनल्स पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आपको अच्छे से गाइडेंस मिले। आज की मेरी रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका नाम बी से शुरू होता है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं हमारे बी वाले अल्फाबेट्स वाले व्यक्तियों के लिए। उन्हें क्या जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, क्या चाहते हैं ये अपने जीवन से। जस्ट प्लीज ब्लेस कीजिए। देखिए, जैसे ये मेरे बी अल्फाबेट्स वालों के लिए मैंने निकाला है, ये आज उनके लिए स्पेशल रीडिंग है कि किस तरह से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे जो शो कर रहा है ना कार्ड, कि आप जो है ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं और बहुत ही अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ड हैं। किसी के साथ आप अपनी बातचीत शेयर नहीं करते हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं, झिझकते बहुत ज्यादा हैं, कम बोलते हैं और जीवन को अपनी शांति से जीना चाह रहे हैं। अभी आप अपने काम को बहुत बहुत महत्व देते हैं आप, और बहुत जल्दी कोई फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं। आपके दोस्त यहाँ पे कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि आप बहुत जल्दी से दोस्त नहीं बनाते हैं, लेकिन आप जल्दी से लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जो आपके अपनी फीलिंग्स होती है ना, वो आप जल्दी से किसी के साथ साझा नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको अच्छा लगता है कि मैं एक टीम वर्क करूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आप इंट्रोवर्ड हैं। उसकी वजह से आपको बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, बार बार परेशानी, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी पे जाहिर नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें आप चाह रही हैं इस वजह से वो आपको मिल नहीं पा रही हैं, क्योंकि कोई भी किसी की बातों को, अपने मन को कैसे किसी और को समझा सकता है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप जो हैं, जो इतने इंट्रोवर्ड हुए हुए हैं, जो इतने अंतर्मुखी हैं, उस अपनी सिचुएशन से बाहर आएं, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के आगे जाहिर करने की कोशिश करें। कार्ड्स अल्टीमेटली आपके लिए पॉजिटिव हैं। आपके लिए जो परिस्थितियां हैं, आने वाली परिस्थितियां स्थिर रहेंगी। ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है मुझे, ब्राइट करियर दिख रहा है। जो यहाँ पे बी अल्फाबेट वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए बेस्ट है कि जो लोग बहुत परेशान हैं, जिन्होंने अभी 12th पास आउट किया है, उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा और बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छे से उनको जिस कॉलेज में वो चाहते हैं उनको एडमिशन मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको लिए आएंगी। आपको ज़्यादा टेंशन्स नहीं लेनी है। ये तो थी बी अल्फाबेट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो बी अल्फाबेट्स वाले जो वर्किंग पर्सन है, जो जॉब में है या बिजनेस में है, तो दोनों के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि दोनों के लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपके ऊपर आ रही हैं तो आपको बहुत अच्छे से संभालनी है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी फैसले ठीक से रखने हैं, अपनी बातों को डिस्कशन के साथ ही फैसला लेना है, सिर्फ अपने आप पे रह के फैसला नहीं लेना है। लेकिन आपके लिए दोनों के लिए जल्दी ही, बिजनेसमैन और जॉब दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज अबंडेंस में आने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अबंडेंस में आ रही है तो आपके फाइनेंस भी बहुत ही अबंडेंस में आने वाले हैं, बहुत अच्छे। आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी, आप बहुत ही अच्छे से, आपका फाइनेंस स्ट्रांग रहेगा। सेम बी अल्फाबेट्स जो कि अभी नो कॉन्टैक्ट पोजिशन में है, काफ़ी समय से आपके पार्टनर आपसे मिल नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं दो दूरियां बनी हुई हैं, चाहे वो आपस में आपके आर्गुमेंट से, कोई तनाव से, कोई झगड़े की वजह से है, या आपके किसी दूरी की होने की वजह से। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये दूरी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और आप जो है एक दूसरे से मिलकर साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जो भी व्यूवर्स अपनी कोई परेशानी को, जिनको बी अल्फाबेट है जो कुछ है, तो नीचे अपना कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन देके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके सवालों के जवाब दे पाएँ और उन्हें गाइड कर पाएँ कि एंजल्स उनसे क्या कहना चाहती हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, यही हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है। थैंक यू व्यूवर्स। हर हर महादेव।
आपको गॉड ब्लेस करें. थैंक यू व्यूअर्स.